मैं बैजू पांडे, फिल्म निर्माता एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बिहार एंजाइट पर 9 वर्ष की हार्दिक सबकी शुभकामनाएं। तो ये इस वर्ष में नया एक भोजपुरी में एक बहुत बड़ा घटना हुआ जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में। तो पहले बैजू जी से पूछना चाहूंगा कि आप इसके इस विषय में क्या बोलना चाहते हो? अब जो घटना इन लोगों की बराबर चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी हुई है, इस साल भी हुई, उसके पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, इन लोगों की चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों की तो इन लोग ऐसा छिछोरापन क्यों करता है? छिछोरापन उसको नहीं बोलेंगे, इन लोगों का प्यार बोलेंगे। इन दोनों का प्यार है। प्यार है मतलब भोजपुरी को बदनाम करने का प्यार? नहीं, भोजपुरी के बदनाम करने की प्यार नहीं होती है। मतलब इन लोगों का अपना एक है कि हम आगे तो हम आगे, अरे आगे कोई नहीं है, सब लोग आगे हैं। तो सब लोग आगे हैं। सर आप बताइए कि आप भी तो एक हीरो है, कभी इस तरह का तो घिनौनी हरकतें नहीं करते हो? इसमें कुछ ज्यादा कहने के लिए मुझे उचित नहीं लगता है कि मैं कहूँ, क्योंकि ये लोग काफी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और काफी समझदार हैं लोग। अगर कहीं कोई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल व्यक्तिगत मेरी बातें हो, कि कहीं किसी से टूटियां हो जाए, किसी से गलतियां हो जाए, तो माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, इंसाफ के लिए एक दूसरे पे चढ़ के बातें बोलते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसी इंडस्ट्री ने, हर घर में और हर इंडस्ट्री की बातें होनी चाहिए कि कंपटीशन आप काम में करो, न कि अपने जुबान में। तो क्या दोनों आदमी आपको एकदम तुरम खान समझने लगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुरम खान कोई नहीं है इधर भोजपुरी इंडस्ट्री में, तुरम खान कोई नहीं है। तुरम खान पहले भी थे, इन लोगों से बड़े बड़े तुरम खान इधर हुए हैं और आज भी हैं। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर, इन लोगों से बड़ा तुरम खान कौन था? तो पवन सिंह तो बोलता है भोजपुरी का मैं ही मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं, उसने बोला है, लिखा है, लिखे है, ठीक है, पवन जी का अपना ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। तो मैं अगर भोजपुरी में नहीं होता तो भोजपुरी नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पहले भी भोजपुरी थी, पवन जी के पहले भी भोजपुरी थी, बहुत बड़ी भोजपुरी थी, पवन जी के पहले बहुत बड़ी भोजपुरी थी। तो इसके ऊपर क्यों नहीं सब लोग, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाया? आवाज अभी उठा रहे हैं ना भाई, अभी उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। इससे बड़ी भोजपुरी थी पहले, पवन जी खेसारी जी से पहले भोजपुरी थी और हमेशा रहेगी। मुझे लगता है तो खेसारी आने के बाद भोजपुरी गंदा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भोजपुरी मिक्स हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उस समय मुन्ना सिंह भी थे, बहुत बड़े स्टार थे मुन्ना सिंह। तो लेकिन इस समय आपके आप जो खेसारी आने का बाद जिस तरह से गाना आ रहा है डबल मीनिंग का, ये मीनिंग का, तो ये क्या है? डबल मीनिंग उस समय भी चलती थी, उतना नहीं चलती थी। अभी तो शरीर महिला का कोई सा अंग नहीं बचा। उस समय भी चलती थी भोजपुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस समय भी चलती थी। पनिया के जहाज से पलटनिया पर सरदा सिन्हा इतनी बड़ी स्टार, मुन्ना सिंह इतने बड़े स्टार, मुन्ना सिंह इतने बड़े बड़े भिखारी ठाकुर, इतने बड़े बड़े स्टार, महेंद्र मिसिर, इन लोगों से बड़ा स्टार कोई भोजपुरी में? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वैसे बैजू पांडे नहीं मानता है, वो चाहे जो भी हो, वो मनोज जी हो या पवन जी हो या जो भी हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हाँ तो आप बताइए कि जिस तरह से भोजपुरी में जो अभी जो घटना घट रही है, कि ये होना सही है या भोजपुरी के लिए खराब है? खराब है, बिल्कुल खराब है। दोनों का बिल्कुल खराब है। उस समय नथुन सिंह भी थे कि कटहर के कोआ जब तू खाई बो तो मोटका मुंगरवा के खाई। उस समय दुआती चलती थी। पवन जो अपने आप को इतना बड़ा स्टार कहते, लेकिन पवन का अगर इतिहास देखे, चार चार पांच पांच शादी करके,
पूरा उनके एक एक हीरोइन को छोड़ते नहीं है। नहीं नहीं देखिए सब ऐसा गलत बात है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई। कैसे पर्सनल लाइफ है, अगर अगर कोई स्टार बनते हैं उसका कैसे पर्सनल लाइफ है? सबकी पर्सनल लाइफ होती है। कैसे पर्सनल लाइफ है? पर्सनल लाइफ होती है, सबकी होती है, तो उसमें हम लोगों को नहीं जाना है। और रह गई भोजपुरी की बात, तो भोजपुरी में इन लोगों से बड़े स्टार पहले रह चुके हैं और एकदम वही लोग रहेंगे। अच्छा ये लोग मैं बता रहा हूँ, ये लोग उनके जी खा रहे हैं। नहीं नहीं पवन का, तो पवन के साथ कोई लड़की काम करने से डरते क्यों डरते? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पवन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा। मेरा वो भक्त, मेरा वो जजी, मतलब मैं उसके पुरोहित हूँ, मेरा वो रहती है, बहुत अच्छा लड़का है। तो अभी क्यों नहीं बड़ी हीरोइन काम नहीं करते उसके साथ में, नया क्यों लेना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं, सब डरते नहीं, ऐसा नहीं है। पवन सबको मौका देना चाहता है, पवन जस्ट लाइक सलमान खान, भोजपुरी नदी सलमान खान। और फिर अगर सलमान खान अक्षरा को बनाया होता होती तो अक्षरा ने अब भी जो इनके दोनों का ये झगड़ा हुआ उसमें अक्षरा ही आके पूरा उनको गालियां दे रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सब चलते रहता है, वो सब इंडस्ट्रीज है, वो सब इंडस्ट्री, वो चलते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्री में चलते रहेगा? नहीं चलते नहीं रहेगा, चलते वो सब खत्म हो। क्या आप भी प्रोड्यूसर है डायरेक्टर है, सुना जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिना कॉम्प्रोमाइज के लड़की को काम ही नहीं देते? ये कौन बोल दिया आपको भाई? ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और खास करके हम लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री, इतना लड़कियां इंटरव्यू में बोले सर? नहीं नहीं, खास करके मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी है अभी, हाँ, कि मतलब बहुत इसमें सारी लड़कियां आती हैं और काम करती है, बहुत अच्छी है हम लोगों की इंडस्ट्री। मतलब लड़कियां आती है, लड़कियों को कोई मतलब कोई ये डर नहीं आपको? नहीं आप कोई भी लड़की, हाँ बिंदास वो लोग काम करती है, सब लोग एकदम खुलेआम, खुलेआम काम करती है, मतलब वो खुलेआम करती है, खुलेआम वो लोग अपने बिंदास काम करती है, किसी के साथ काम करती है, अच्छे से काम करती है। अच्छा मतलब मर्जी से, वो अपने मर्जी से कुछ भी करे तो फिर चले? नहीं नहीं मर्जी कुछ नहीं होती है, और मेन है काम, काम ही सबसे बड़ी चीज है, काम से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी। क्या सर आपका भी तो आपके नाम से भी बदनामी होता है कि भाई हीरो है, बाद में जाके आप चिपक जाते हो हीरोइन के साथ में, क्यों जाते हो चिपकने का? काम करके फाइट हो जाओ ना भाई। एक अच्छे एक्टर का अपना एक वर्थ होता है, जिस तरह हर घर को चलाने के लिए गार्जियन का कर्तव्य होता है कि हर उस व्यक्ति से उतना ही प्यार करे, उसी तरह सिनेमा में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पकड़ना चिपकना छूना ये सब बहुत दूर की बातें हैं, एक कॉमन एक वर्क है। इसीलिए डायरेक्टर सबसे पहले पहली पढ़ाई उसने कट वाली सीखी है, जो कि एक्शन बोलने तत्पश्चात वो कट भी बोलता है, तो कट में यही मंत्र होता है कि जब तक उसे सर्टिफाइड, जब तक उसे आप ओके सब्जेक्ट ओके रिपोर्ट नहीं करोगे, आप उसे मन पसंदा सीन नहीं दोगे तो कई बार पकड़ना पड़ेगा। तो ये कोई नई बातें नहीं है, सिनेमा है, ग्लैमर्स है, यहाँ लोग आते हैं अपने आत्मा और अपने आत्मविश्वास को जिंदा देखने के लिए, तो सिनेमा है, सिनेमा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। ये लेकिन अभी एक सवाल है कि आपने लगभग सारी हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन सारी हीरोइनों के साथ काम किए हैं बड़े, हाँ, हाँ, अभी कौन बचा है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? हाँ मैं 2014 में पहली मूवी की थी राउड़ी रानी, रानी चटर्जी, तत्पश्चात 2015 में मैंने एक फिल्म की, सात हीरोइन थी जिसमें श्रुति छाबड़ा, अंजना सिंह, मोनालिसा, नारा गुप्ता, गुंजन पंत, रानी चटर्जी। तो मैंने ऑलमोस्ट उस दौर से इस दौर में सारी हीरोइनों के साथ किया, मेरी फिल्म बड़ी चर्चे में और टीवी पे भी टेलीकास्ट हो रही है, लव मैरिज अक्षरा सिंह जी के साथ में, काफी अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, पारिवारिक और फैमिलियर फिल्म है, कि गार्जियन के स्वरूप अगर चीजों को माना जाए तो लंबे रिश्ते चलते हैं, अगर अपने मन से हम जब कुछ करते हैं तो बहुत लंबे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि अपना मन जो होता है कच्चा होता है और गार्जियन का मन जो होता है एकदम अटल विश्वास के साथ होता है इस बच्चों के साथ। और अभी अमरपाली जी के साथ मैंने राजमहल की लगभग सारी हीरोइनें बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, मेहनती हैं और हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, हम सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तभी मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में एक हम अपना अजूत बना पाए हैं, आठवीं सूची के बिना भी हम अपनी सूची में खूटा गाड़ के
झंडा लहरा रहे। एग्जैक्टली। और सबसे कठिन आपको किसके साथ काम करने को ऐसा लगा? बस जब सबसे कठिन मुझे उस व्यक्ति के साथ लगता है जो काम के प्रति डेलिकेटेड नहीं होता है, जो काम को काम नहीं समझता है, काम को ऐसो आराम समझता है, तो मुझे बहुत कठिन लगता है। क्योंकि ऐसा प्रोड्यूसर मिला रहेगा आपको? बहुत मिलते हैं, बहुत सारे लोग प्रोड्यूसर नहीं, बहुत सारे टेक्नीशियन भी मिलते हैं, बहुत सारे एक्टर भी मिल जाते कभी कभी। लड़की देखते रहते हैं? हाँ, अपोजिट में। अब हमने चार पेज याद कर लिया और वो एक पेज भी नहीं याद कर पाएंगे, तो मेरा चार पेज फिर से याद करना पड़ता है, मुझे उस सोच और थॉट में जाना पड़ता है। अगर उनके एक लाइन गड़बड़ होने से फिर मुझे उस डिपली चीजों को छुपाना पड़ता है, तो इन सब चीजों की कठिनाइयां झेलनी पड़ती है एक अच्छे कलाकार के लिए। तो मैं हमेशा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से विनती करता हूं कि सर बेहतरीन हमारे जो सज्जा बज्जा हम सारे लोग स्ट्रांग हो, यानी अच्छे एक्टर हो। और एक अच्छे एक्टर जब होते हैं तो एक अच्छी कहानी का निखार अलग ही होता है और लोगों के दिल में चुप चुपती है और गुदगुदी के स्वरूप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सर आपने पवन किशन के साथ में काम किए होंगे, फिल्म बनाया?